हेलो बच्चों, तो अपन विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। और विद्युत धारा में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें सबसे पहले अपने डेफिनेशन देखा था। डेफिनेशन के बाद में हम देख रहे थे धारा घनत्व, हमने पढ़ लिया। धारा घनत्व के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा अपन ने, क्या अपवहन चाल पढ़ा या अफवाह चाल और वेग पढ़ लिया। और उसके बाद में अपन ने गतिशीलता पढ़ा है, ठीक है। जैसे ही गतिशीलता कंप्लीट होता है, हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवाह चाल एवं विद्युत धारा में संबंध। इसे अपन कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड। अपवाह चाल को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। और विद्युत धारा को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। सो द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब आपको एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें आई है और वी डी है, इन दोनों के बीच में आपको क्या देखना है? एक फॉर्मूला बनाना है, उसे फॉर्म करना है। ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये कैसे काम किया जाएगा? हाँ, मेरे पास में एक आध बच्चों का व्हाट्सएप आया कि सर, जो आपने हमें बताया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ अपवाह चाल से चलने लगते हैं, इसका कुछ टर्मिनोलॉजी का नाम तो होगा। हाँ बच्चों, इस टर्मिनोलॉजी का नाम है, इसे अपन बोलते हैं सिग्नल वेलोसिटी, या फिर ग्रुप वेलोसिटी भी इसे बोला जाता है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत धारा की चाल की बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा कितनी तेज बन जाती है। तो ये जो सिग्नल वेलोसिटी है या फिर ग्रुप वेलोसिटी जो होती है बच्चों, ये हम बोलते हैं कि जब आप स्विच ऑन करते हो ना, तो स्विच ऑन करते ही जिस तार में से धारा बहती है उस तार में आप कह सकते हैं कि प्रकाश के वेग के समान यकायक क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उस विद्युत क्षेत्र के कारण वो जो धारा का वेग है वो भी क्या हो जाएगा? लगभग प्रकाश के वेग के समान माना जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ये प्रूव्ड है कि जो सिग्नल वेलोसिटी होती है या ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊष्मीय वेग से लगभग 100 गुना ज्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊष्मीय वेग कितना था? 10^5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। उससे 100 गुना ज्यादा, अब तो उसमें 10^2 गुना कर दो तो हो जाएगा 10^7 मीटर पर सेकंड। तो ये लगभग जो है वो प्रकाश के वेग के लमसम वेग से गति करने लगता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं अपन? सिग्नल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए, तो रिलेट कर पाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज तो आप जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान में रखो, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, तो आज अपन अपना टॉपिक देख रहे हैं अफवाह चाल और विद्युत धारा। देखिए, अब इसके अंदर करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले अपन मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास में कोई चालक है। ये अपन ने क्या माना? एक चालक तार मान लिया, या एक चालक तार का एक भाग मान लिया। इस भाग का अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोले तो हमने बोला कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इस भाग को अपन ने नाम दे दिया x और इस भाग को अपन ने नाम दे दिया y। तो इस चालक तार के लिए ये जो x से लेकर y तक की जो दूरी है इसे मैं या तो l मान सकता हूँ या फिर dl मान सकता हूँ। फिर ये जो भाग है वो किसी बैटरी स्रोत से संयोजित है, ये और ध्यान में रखें। तो ये मान लीजिए कि ये शायद धनात्मक टर्मिनल होता, उच्च विभव वाला बिंदु होता, और ये जो वाई वाला पॉइंट है वो निम्न विभव वाला बिंदु होता। तो यहाँ पर अपन मान रहे हैं उच्च विभव और यहाँ पर अपन मान रहे हैं निम्न विभव। तो धारा कैसे जाएगी? आंसर है उच्च विभव से निम्न विभव। क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जाता है निम्न विभव से उच्च विभव। तो हमें ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और निम्न विभव से उच्च विभव यहां से लेकर यहां तक, मतलब एल दूरी पार करने में उन्हें जो समय लग जा रहा है उसे या तो आप टी मान लीजिए या फिर डेल टी मान लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये वो टी समय है या डेल टी समय आप मान लीजिएगा जिसमें वो वाई से कहाँ तक पहुंच जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्स तक पहुंच जाता है ना। एल दूरी को वो क्या कर लेता है? पार कर लेता है। अब ये कैसे बनाएंगे बच्चों? तो देखो, धारा अगर आपको पता चल रहा है ना, तो धारा का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, I इज इक्वल टू क्या बच्चों? Q डिवाइडेड बाय D। अगर मेरे को चालक में प्रवाहित आवेश पता चल जाए कि आवेश कितने थे और समय पता चल जाए कि Y से X तक पहुंचने में उन आवेशों ने कितना समय लिया वो पता चल जाए, तो फिर हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? विद्युत धारा निकाल सकते हैं। ऐसा ही है। तो चलिए, आवेश कहाँ से निकालेंगे? तो आपको एक फॉर्मूला कभी याद होगा, Q इज इक्वल टू एनी होता है नहीं होता है। तो वहां से अपन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेना, इस पूरे के अंदर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो स्मॉल एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस फॉर्मूले में, ठीक है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश था, ठीक है, समय तो टी था ही। चलिए, तो अब काम करना चालू करते हैं बच्चों।
तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करूंगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कैसे की जाएगी वो समझने वाली बात है। तो इसके लिए हमने क्या किया वो समझिए। तो हमने बोला कि माना दिए गए, समझिएगा अभी से, दिए गए चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना दिए गए चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन। अब यहां पर वो कुल संख्या नहीं है इलेक्ट्रॉनों की, स्मॉल एन कुल संख्या नहीं है, क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसका जितना आयतन होगा उतने आयतन से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो हमें क्या पता चल जाएगी, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। ये समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसा है कि एक सेब का मूल्य 20 रुपए है तो 10 सेब का मूल्य कितना होगा, आपको 10 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, तो वी आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वी से किसको गुणा कर दो, एन को। अब आपको ये आयतन पता होना चाहिए कि इस चालक का आयतन क्या होगा, तुमने बोला बेलन है, और वैसे भी जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पता होती है तो आयतन बराबर क्या होता है, पता है ना सभी को, आयतन बराबर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यही होता है, ठीक। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि आयतन कितना है इस दिए गए चालक का, ए इंटू एल है, अतः चालक के आयतन वी बराबर ए एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इस आयतन को एकांक आयतन वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दो, एन ए एल होगी। पता चल गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये डन हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए हैं, ये ध्यान रखें। अतः चालक में प्रवाहित आवेश, ये ऋणात्मक आवेश आप कह सकते हैं, वो कितना होगा, तो हमने बोला क्यू, क्यू बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन ए एल, और उसे किससे गुणा कर दिया, इस, ये आ गया आवेश जो प्रवाहित हुआ, ठीक है। फिर आवेश को वाई से एक्स तक पहुंचने में लगा समय, यदि आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन एल दूरी वी डी अपवाह चाल से स्मॉल टी समय में तय करते हैं तो वो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है एल और चाल कितनी है वी डी। चलिए ये हमारे पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। क्यू हमारे पास में आ चुका है, टी हमारे पास में आ गया, बताओ क्या निकलेगा, विद्युत धारा। अतः विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से हम क्या लिखेंगे, आई बराबर क्या बच्चों, क्यू बटा टी, ठीक है। चलिए Q का मान समीकरण नंबर 1 से और T का मान समीकरण 2 से, फिर लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, हाँ जी मान रख दिया भाई, क्या है तो इसकी जगह लिखेंगे N A L into E और T की जगह लिखेंगे L बटा V D, L से L क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, V D कहाँ जाएगा ऊपर, तो I बराबर क्या हो चुका है N A L, तो L कैंसिल हो गया, E और V D कहाँ जाएगा ऊपर, तरीके से मैं लिख देता हूँ जो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, एन ई ए वी डी, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे स्मॉल एन क्या है तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नहीं बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, ये क्या है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है ये
एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं। फिर ई क्या है, आवेश है। ए क्या है, दिए गए चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वी डी क्या है, अपवाह चाल है। तो पता चल गया आई बराबर क्या हो गया, इस चीज को उतार लीजिएगा। ठीक, चलिए। तो इतना करने के बाद में अब एक चीज मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पर भी सांतत्य समीकरण जैसा कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, a1v1 = a2v2, है ना, यहाँ पर भी वो बनेगा। देखिए कैसे बात कर रहे हैं, ये तो उतार लिया होगा आपको। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आई बराबर क्या बच्चों, NeAVD। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर, तो ऐसा बोला जाए कि यदि किसी चालक के अंदर धारा जो बह रही है वह नियत है ना, यदि यदि नियत धारा I किसी चालक में प्रवाहित हो रही हो, नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, है ना, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो हमने बोला कि I बराबर नियत, है ना, I बराबर नियत, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, NeAVD बराबर भी क्या होगा बच्चों, नियत होगा। ठीक, इसका मतलब समझिए, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो नियतांक की ही नियत राशि होगी, है ना। अपन को वैसे पता भी होता है, लगभग अपन कितना बोलते हैं, 10^29 बोलते हैं इस चीज को, लगभग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, e का मान कितना है, 1.6 × 10^-19 कूलाम है, तो ये दोनों राशि तो पूर्णतः नियत हो जाएंगी। तो फिर क्या हुआ, a into vd बराबर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसका मतलब मैं दो चीजों से ले सकता हूँ, क्या भाई, अगर मैं VD लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, नियतांक या फिर नियत बटा A, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, A1V1 या VD1 बराबर A2VD2। ऐसा बर्नौली का समीकरण याद आ रहा था, फिर सांतत्य समीकरण याद आ रहा था, ऐसा कुछ लिखते हैं, नहीं लिखते। चलिए, इंपॉर्टेंट इससे आप समझिए कि ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है यदि किसी चालक में नियतमान की धारा प्रवाहित हो रही हो और उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग जगह अलग अलग हो, है ना, असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार में नियतमान की अगर धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा कोई डायग्राम बनाया था अपन ने, है ना, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 था, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 था, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर मैं A3 लिखूं, ठीक, तो उस केस के अंदर धारा अगर आई नियत है तो समझिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी इलेक्ट्रॉनों की चाल हर एक जगह अलग अलग होगी, इस चीज को ध्यान में रखें। A1 की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि A1 जो है यहाँ पर और A2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A2 का मान ज्यादा है, A1 का मान कम है, ठीक, A3 का मान सबसे कम है। जहां अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है वहां इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, और जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉनों का वेग कम हो जाता है। तो यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है बच्चों, तो यहां पर वेग कम होगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर यहां पर वेग VD2 है तो ये सबसे कम होगा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका होगा, इसका होगा VD1 का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सबसे कम है इसलिए वेग यहाँ पर सर्वाधिक होगा, ये बात ध्यान में रखें। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा और उतार लीजिएगा कि असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार में नियत मान की धारा प्रवाहित करने पर जहां तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉनों का अपवाह चालक कम हो जाती है, जहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है वहां इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल ज्यादा हो जाती है, इस चीज को सदैव ध्यान में रखना। कुछ इसी तरीके का आपने सांतत्य समीकरण भी पढ़ा था, है ना, वो भी धारा रेखीय प्रवाह के लिए, स्ट्रीम लाइन मोशन के लिए पढ़ा था। चलिए, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन ने काम किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पता चल गया आई बराबर NeAVD, डन हो गया। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला पार्ट समझिए बच्चों, अपन यहां पर देख रहे हैं विद्युत धारा एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये भी अपन पढ़ेंगे कि विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत
धारा एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध। देखिए विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होगा, तो हमने पढ़ा है अभी I बराबर क्या बच्चों, N E A V D, जस्ट अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है। चलिए ये समीकरण नंबर एक बता देता हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद में VD का संबंध विद्युत क्षेत्र से है नहीं है, किस तरीके से होगा वो समझिए। तो हमने बोला हमें ज्ञात है, सारी चीजें ही हमें ज्ञात है, बोर्ड में लिखने की जरूरत क्या है। चलिए देखो हमें क्या ज्ञात है वो समझिए। तो आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बच्चों की गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है, अपवयन चाल एवं विद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात। क्या होती है? गतिशीलता होती है। तो अगर मैं यहां पर वीडी निकालू तो वीडी बराबर बताओ क्या आएगा, म्यू ही आएगा, नहीं आएगा, आना ही चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये अगर मैं समीकरण नंबर इसे दो बोल दूं तो फिर ये मान रखा जा सकता है किससे भाई, समीकरण एक व दो से क्या होगा, आई बराबर एन ई ए, वी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू ई लिखा जा सकता है। तो एन ई म्यू ए कैपिटल ई, ऐसा लिख सकते थे हम, हो सकता था, ठीक है। और नहीं तो और कैसे लिख सकते थे, तो अपन वी डी को देखो और क्या लिख सकते हैं, तो वी डी को अपन ऐसा कुछ लिखते हैं बच्चों, ई टू डिवाइड बाय एम इंटू कैपिटल ई, ऐसा लिखते नहीं लिखते, और उसकी जगह क्या लिखते थे अपन, म्यू लिखते थे। तो वी डी बराबर म्यू ई, तो यहां से भी हो रहा था नहीं हो रहा था, तो वहां से भी जैसा भी आप समझ में आए, ये वाला फॉर्मूला रहे तो इससे दिमाग में रख लीजिएगा, वो वाला फॉर्मूला दिमाग में रहे तो उससे ये रिलेशन निकाल लीजिएगा। अंततः आना इतना ही है, कुल मिलाकर के आपको पता चलेगा कि विद्युत धारा जो है वो समानुपाती है किसके, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हो गया क्या, विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध, आई और ई में संबंध। अब अगर बात करें विद्युत धारा और विद्युत विभव में क्या संबंध होगा, तो वो भी यहीं से निकाला जा सकता है। इसी के आगे ध्यान रखें, विद्युत धारा नहीं, अपवाह चाल एवं विभवांतर में संबंध। अपवाह चाल एवं विभवांतर में संबंध था वो, मैं गलत बोल गया, विभवांतर में संबंध। देखिए अपवाह चाल VD है और विभवांतर क्या है, V होता है, इन दोनों में क्या संबंध देखा जाएगा। तो देखिए आपने VD पढ़ा है, VD बराबर अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था क्या, E टू डिवाइड बाय M इंटू E, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। चलिए आप ये भी जानते हैं कि E और विभवांतर V में भी संबंध है, अगर चालक तार की लंबाई L है, उसी रेस्पेक्ट में चलो, चालक तार की लंबाई L है, विद्युत क्षेत्र V है और विभवांतर, विद्युत क्षेत्र E है और विभवांतर V है, तो फिर क्या होगा। तो आपको याद होगा बच्चों अपन V इज इक्वल टू ED पे काम करते थे संधारित्र में, यहां पर वो E और D दूरी की जगह क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, संधारित्र में ऐसा काम किया है उसकी जगह अपन EL लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं E की जगह क्या लिख सकता हूँ, EL लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, E टू डिवाइड बाय M इंटू, अपो तो E बराबर निकालू ना, V डिवाइडेड बाय L होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय L, बताओ भी आएगा नहीं आएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि अफवाह चाल जो है वो विभवांतर कैपिटल V के समानुपाती है। इसे आयतन मत समझ लेना, पता चले आयतन समझ लो मजे मजे में है, मजाक मजाक के अंदर पता नहीं कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, चालक तार के सिरों के मध्य क्या है बच्चों, विभवांतर है, ठीक है। चलिए एक लास्ट पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि अपन एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो न्यूमेरिकल क्या है वो समझिए। देखिए आपकी बुक के अंदर ही कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ उस न्यूमेरिकल का, क्या है वो पैटर्न वो समझिए। तो बोल रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश समय टी पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, और फिर आवेश की एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे ऐसा बोल दे टी क्यूब 4T³ प्लस 3T² प्लस टी प्लस 2, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से आवेश निर्भर है, और ये यहाँ पे इसका मात्रक लगा दिया उन्होंने गुलाम,
और बोल रहा है कि चालक तार में समय t बराबर 2 सेकंड पर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। एग्जैक्ट बोल दिया t बराबर 2 सेकंड पे आपको क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, विद्युत धारा। तो पहले तो अपन इस क्यू आवेश से विद्युत धारा निकाले। तो हमने बोला कि विद्युत धारा I बराबर क्या होगा बच्चों, जब इक्वेशन दी हुई हो तो आप कुछ ये काम करेंगे dQ डिवाइडेड बाई dt, ठीक है, अवकलन करना पड़ेगा। तो d डिवाइडेड बाई dt करो, फिर जो क्यू मान दिया हुआ है वो रख लो। ऐसे ही करेंगे और फिर एक एक से गुणा करो। तो डी बटा डी टी, अब समझ लीजिएगा इस चीज को, अवकलन को देखो एक बार के लिए। ये सबसे पहले किससे गुणा हुआ, 4t³ से, बीच में प्लस का निशान। अब डी बटा डी टी गुणा होगा इससे, 3t² से, फिर नेक्स्ट किससे, तो डी बटा डी टी गुणा होगा किससे, टी से, सिर्फ टी से, और डी बटा डी टी गुणा होगा किससे, 2 से। सभी से एक एक बार गुणा कर दिया आपने। फिर जो नियत पद होता है उसे अवकलन के दायरे से बाहर निकालते हैं, तो 4 बाहर आ गया और d बटा dt। अब क्या रह गया, t³ प्लस, यहां पर नियत पद कौन है, 3 है, 3 को बाहर निकालोगे, क्या रह गया, t² dt से dt कैंसिल, या t का अवकलन 1 होता है। और किसी भी नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है, हो गया ये काम। चलिए अब देखो, 4 ऐसा का ऐसा t³ है, तो अवकलन किया तो जो घात होती है वो उठ करके कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये घात आगे आ गई, और एक घात कम हो जाती है, तो 3 में से 1 कम करो कितना हो जाएगा, 2। ऐसा का ऐसा, ये 3 तो यहां पर पहले से था, फिर 2 घात है ना, घात 1 आगे आ जाएगी, और एक घात कम कर दो, तो 2 में से 1 कम किया तो 1 रह जाएगा। यहां पर कितना हो गया था अवकलन के पश्चात, 1 रह गया। 4 3 12, 12t² प्लस 3 6t+1, ये धारा है। तो ये धारा की इक्वेशन आ गई समय के पदों में। अब आपको क्या बोल रहा है, t बराबर 2 सेकंड पर प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो मैं बोला I कब, जब t बराबर 2 सेकंड है, तो जहां जहां t है वहां वहां 2 रख दो। तो आपने क्या लिखना है, 12 और t की जगह 2 और उसका स्क्वायर, फिर 6 t की जगह 2, यहां पर तो 1 ही था, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 को 12 से गुणा किया तो 1248 प्लस 6 2 12 प्लस 1, 48 और 12 जोड़ोगे 50, 60, 60 और 1 61, 61 एम्पियर। ये तो खैर बहुत ज्यादा हो गई है ना, लेकिन तो भी कितनी धारा बह रही है, 61 एम्पियर धारा उस चालक तार से क्या है, बह रही है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है, सवाल निकाला जाता है अगर आपको कोई भी आवेश जो है वो समय के पदों में दिया हुआ हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है, ठीक है। हाँ, अपने से रोजाना नए बच्चे जुड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।